हेलो रिवन सो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ऑल एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी पी पे देखे गए हैं और जिसमें हम दो पार्ट में इन ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करेंगे एक होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक होगा इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन्स तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने कई बार सुना होगा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई तो जितने भी एनवायरमेंट के बहुत ही कोर और पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हम कवर करेंगे एंड साथ ही साथ जो अभी करंट अफेयर्स में लास्ट वन और टू इयर्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड जैसे एक इंटरनेशनल uh, ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज़ कंप्लीट uh, हो जाता है तो वैसे हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन्स की भी शुरुआत करेंगे तो बेसिकली इसके कुछ पार्टस होंगे मेक श्योर कि आप सभी पार्ट्स करो और इसका एक प्ले भी होगा उस प्ले में हम सभी पार्ट्स को अपलोड कर देंगे तो बस वो टाइम टू टाइम आप चेक कर लेना तो इसकी प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगी तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो देखो तो यू पी एस अनस्टॉपेबल जो चैनल है वहाँ पे वीडियोस में भी आप स्क्रॉल डाउन करो तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम और एक सीरीज स्टार्ट किया है तो वो है एन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी एक्ट्स एंड पॉलिसज है तो वो आप प्ले में जाओगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्ले और, और जहाँ पर सभी एक्ट्स एंड पॉलिसीज एक, एक, एक करके हम अपलोड करते हैं तो अगर इसमें से भी आपने कोई सेशन नहीं किया तो वो जरूर देख लेना तो आज हम शुरू करने वाले ऑल एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस तो आज हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ चार आज के सेशन में देखेंगे डब्ल्यू uh, जिसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहता है आई साइट्स एंड ट्रैफिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पिलर मानी जाती है एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की एंड सभी के सभी थोड़ा एक साथ याद रखने की कोशिश करो क्योंकि दिस ऑल आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ये सेपरेट है और इस पर कैसे क्वेश्चन इसी टॉ तो, अभी जो मैंने अभी चीज बताई कि जो सेपरेट है एंड ये यूएन के ऑर्गन नहीं है या यूनाइटेड नेशन के पार्ट नहीं है इसी पे काफी सारे क्वेश्चन देखे वो भी हम आगे देखेंगे और लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक ना एक क्वेश्चन दो के बाद देखा गया है तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्लू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो अराउंड 1961 में इसका इस्टबलिशमेंट हुआ था और इसका ओरिजिनल ओरिजिनल नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो बाद में जाके कुछ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वगैरह चेंज हुआ था सीधा यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सेपरेट है याद रखें यह सेपरेट है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाँ बट यूनाइट नेशन को इनके रिपोर्ट वगैरह जो होते हैं वो एक सप्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जा सकते हैं या कभी सी की मीटिंग हो गए कन्वेंशन ऑन बायोडा या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बायोडासिटी रिलेटेड मीटिंग्स होगी तो वहाँ पे इनके रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाता है जैसे भी इनकी रिपोर्ट्स में देखा जाए तो लिविंग प्लान रिपोर्ट है या लिविंग एमेजॉन रिपोर्ट है जैसे कि आपने देखा होगा लिविंग अमेजॉन रिपोर्ट जो लास्ट ईयर यून ट्रिपल सी का शम एल शेख कॉप ट्वेंटी सिक्स का सॉरी ट्वेंटी सेवन का जो मीटिंग हुआ था तो उसमें ये लिविंग अमेजॉन रिपोर्ट रखा गया था तो मतलब इस वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के अंडर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हो गए तो वो कुछ इंटरनेशनल मीटिंग्स में रखे जा सकते हैं और उसको यस uh, डेफिनेटली yes, उस पर चर्चा भी की जा सकती है तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि इनके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं इवन दो इनके कैंपेन्स भी होते हैं जैसे डेप फॉरनीचर स्वैप अर्थ आर होगा हेल्दी ग्रोन मरीन स्टीवरशिप काउंसिल बट इसमें से काफ़ी फेमस है अर्थ आर जो हर साल मार्च का लास्ट सैटरडे मार्च का लास्ट सैटरडे देखो लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च तो इसलिए ये डेट फिक्स नहीं है तो अर्थ आर सेलिब्रेट किया जाता है तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस अर्थ आर तो रात को मतलब शाम को एवरी एवरी मार्च के लास्ट सैटरडे को शाम को साढ़े आठ वो जो भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली साढ़े आठ से साढ़े नौ एक घंटा है ना ये एक घंटा यस कंप्लीट लाइट्स वगैरह ऑफ करनी चाहिए वो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव रन करना चाहिए अपने कंट्री में सो दैट लोगों में अवेयरनेस रहे कि है ना uh, कि ये वन आर मतलब हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फॉर अवर अर्थ एंड दिस इज कंसिडर एज द बिगेस्ट आर फॉर द अर्थ तो है ना इस पर भी क्वेश्चन आके गया कि अर्थ आर है ना ये इनिशिएटिव किसका है तो थोड़ा सिंपल ही रखेगी तो इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ़ ठीक है तो कौन से कैंपेन होते हैं कौन से रिपोर्ट इनके आते हैं और रिपोर्ट भी एकदम सिंपल याद रखने के लिए इस पे बेसिकोलॉजिकल फुटप्रिंट वगैरह कैल्कुलेशन होते हैं तो ये सब डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के अंडर किया जाता है अभी के लिए जो इसके प्रेसिडेंट है दो हज़ार अठारह से तो वो पवन सुखदेव मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं वो एक पॉइंट याद रखें क्या इंडिया में भी इसका ऑफिस आता है तो यस इनकी ब्रांच एक इंडिया में आती है अपनी न्यू दिल्ली में आती है डब्ल्यू है साइट्स है आई यू सी एन है लगभग एक ही ऑफिस से काम करते हैं और वह है यस न्यू दिल्ली में ऑफिस आता है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का तो यहाँ पे भी इंडिया रिलेटेड जो भी डिफरेंट कैम्पस होगी इनके तो वो इंडिया में रन होता है तो इनका ओवरऑल वैसे देखा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है स्विट्जरलैंड प्लान में और देखो इनके एक स्पीसीज रिलेटेड भी प्रोग्राम चलते हैं स्पीसी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलते हैं स्पीसीज को टारगेट करके जैसे बंगाल टाइगर रिलेटेड डिफरेंट प्रायरिटीज़ हो गए प्लान्स हो गए एशियन एलिफेंट रिलेटेड है या गैन्जेस डॉल्फिन है स्नो लेपर्ड है तो इनका स्पीसीज स्पेसिफिक भी ये uh, कुछ ध्यान देते हैं कि इनका नंबर कैसे बढ़ाया जाए एकट्रा एक्सेट्रा तो देख लेना तो जैसे इन्होंने कुछ रिपोर्ट में हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि देयर हैज़ बिन अ सिक्सटी नाइन परसेंट डिक्लेयर इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ओके okay, तो ये रिसेंटली जो लिविंग प्लानट रिपोर्ट दो में रखा गया था डब्ल्यू के द्वारा तो अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आता है कि आ, ना जहां पे आपको रिपोर्ट मेंशन करना है कि कैसे एनवायरनमेंट को हजार हो रहा है एनवायरनमेंट में कैसे स्पीसीज खत्म होते जा रहा है एक्सटेंशन पे जा रहा है तो उस टाइम पे आप ऐसे रिपोर्ट लिख सकते हो लिविंग प्लानट रिपोर्ट बाय डब्ल्यू डब्ल्यू एफ मैं दिस 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 फैक्ट्स ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेस ऑल्सो तो सो दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यू होप एवरी वन अंडरस्टूड तो उस बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन था दो हजार चौदह में आया था अर्थ आर है ना कोशिश करो इसको पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर मतलब साइड में आप आंसर लिख के रखो फिर मैं एग्जैक्ट आंसर इसका बताता हूँ और देन क्रॉस चेक करना कि आपका सही है क्या गलत है ये यू हैव वन मिनट इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यू एन ई पी यूनेस्को ज मूवमेंट विच पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट फॉर वन आर एंड इट इज मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू द सेव द प्लान करेक्ट क्या है तो जैसे मैंने पहले ही आपको क्या बताया कि जो आज हम कवर करें ऑल दिस फोर दिज आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है क्या नो no. चाहे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ हो आई सी एन हो साइट्स हो या ट्राफिक हो दिज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका मीनिंग क्या होता है कि क्या ये इनिशिएटिव है यूएनपी का यूनेस्को का डेफिनेटली नॉट यूनाइटेड नेशन नहीं आना चाहिए राइट right? तो so, अगर आप वन को एलिमिनेट करते हो तो दो वैसे भी सही है तीसरा यस yes. इसी के तो बात कर रहे थे ना अवेयरनेस रेस करने के लिए तो अर्थ आर सेलिब्रेट किया जाता है मार्च का लास्ट सैटरडे 8:30 थर्टी टू नाइन थर्टी यस आंसर विल बी सी एकदम सिंपल है देखो तो इसलिए हर एक शब्द में जो आज आपको बोल रहा हूं या हर एक सेशन में बताता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ समझ लेना एग्जाम से लिंक्ड होता है और केयरफुली सुनो मतलब इसके बाद आपको बाद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लास को आज पूरा फोकस से सुनो तो ठीक है और भी क्वेश्चन है आगे देखेंगे हम जैसे देखो इसको पढ़ लो बट हम आगे आयु देखेंगे तो तब आ जाएगा आयू के बारे में दिया है स्टेटमेंट एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साइट्स ऑलसो एंड आयो सीन ऑल्सो तो आयु सीन इज अर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन देखो 2014 में भी वही आया पंद्रह में भी देखो बैक टू बैक वही टाइप का क्वेश्चन है कि आयु इज ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन तो बात यही पे खत्म हो जाती है ना बाकी स्टेटमेंट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अभी क्या बताया दूसरी बार अब बता रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू एफ एंड ट्राफिक ये चारों भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट यूनाइटेड नेशन देख लो ना, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है तो एक ही ऑप्शन है टू एंड थ्री दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड ठीक है अब अब जाके थोड़े एलिमिनेशन मेथड्स कम हो चुके हैं हम सभी जानते हैं बट चलो ठीक है एटलीस्ट कुछ तो लॉजिक लग पा रहा है आयुसन रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट ये हम आगे देखेंगे तो सही बात है एंड साइड एक लीगली बाइंडिंग है Uh, अलग स्टेट्स या जो उसके मेंबर बन चुके हैं uh, कि वो अपने कंट्री में कुछ लॉज या पॉलिसीज या एक्ट्स बनाए और जिससे साइट्स में जो चीज़ें मैंशन जो आगे हम देखेंगे साइट्स क्या है तो वो उस कंट्री में इम्प्लीमेंट हो बट वो खुद एज एक्ट काम करता है क्या बट दिस कन्वेंशनल डज नॉट टेक अ प्लेस ऑफ नेशनल लॉ तो ये इट इज़ ऑल्सो करेक्ट ठीक है बट वो कंट्री ने करना चाहिए मतलब अपने कंट्री में कोई एक्ट बनाना चाहिए तो ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी तो शुरू करते हैं देखो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं सी सो आयू सी क्या है 1948 में इसका इस्टब्लिशमेंट हुआ था इवन डब्ल्यू से पहले क्योंकि डब्ल्यू हमने देखा लगभग 1961 का है तो वो जो चार मैंने बताया आई यू सी एन साइट्स एंड ट्रैफिक इन सब में अगर कोई सीनियर है है ना तो सबसे सबसे सीनियर वाली कौन सी है तो आई है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ना इन चारों के ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सीनियर हो जाते हैं और इसको इसी वजह से ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है कंसल्टेटिव ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है यूनाइटेड नेशन में बिकॉज ऑफ इट्स सीनियरिटी मतलब और वैसे भी इनका काम काफ़ी अच्छा है और इनकी जो रेड लिस्ट है वो हम पूरे दुनिया में यस रेफर करते हैं जैसे आप जानते हो ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एक्सटेंट है ना वलनरेबल स्पीसीज तो ये लिस्ट के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा तो ये जो लिस्ट है तो वो किसका काम है आयु का काम है रेड लिस्ट नाम से बट जब 1948 में इस्टेबलिश हुआ था ग्लैंड स्विट्जरलैंड में तब इनका ये इमीजिएटली रेड लिस्टिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था तब नॉर्मल कंजर्वेशन वगैरह कर रहे थे फील्ड प्रोजेक्ट्स हैबिटेट स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए मतलब तो संवर्धन करने स्पीसीज का तो वो काम इनका चल रहा था बट बाद में 1964 में इन्होंने यूके में एक हेडक्वाटर बनाया और उनका वहीं से काम शुरू होता है रेड लिस्टिंग का बेसिकली रेड लिस्ट जो होती है तो वो तब से स्टार्ट हुई रेड लिस्ट मतलब क्या है कि इसमें एक्चुअल में कोई ऐसा एज सच कोई रेड पेज वगैरह नहीं होता है मतलब बेसिकली एक रेड लिस्ट मतलब जिसमें नाइन कैटेगरीज हैं कितने कैटेगरीज नाइन कैटेगरीज है जिसमें स्पीसीस फ्लोरा हो या फौना हो याद रखना है बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एनिमल स्पीसीज है या फौना स्पीसीज है बट वैसा नहीं है यहाँ पे प्लांट स्पीसीज भी होता है तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो उनको उनके थ्रेट वाइज इस लिस्ट में डाला जाएगा जैसे नॉट इवेल्युटेड मतलब डेटा नहीं है शायद है ना डेटा डिफिशियंट होगा या फिर लिस्ट कंसर्न मतलब काफी अच्छे नंबर है तो देर इज नो इशू नियर थ्रेटन मतलब हां अभी थोड़ा जाके थ्रेट हो सकता है मतलब आसपास है तो नियर थ्रेटन कहेंगे तो ये चार कैटेगरीज में मतलब एज सच कोई टेंशन वाली बात है नहीं नंबर अच्छे खास है बट अब टेंशन वाली बात यहां पे आ जाती है कि जब स्पीसीज़ यहाँ पे एक्चुअल में जब आता है तो वो कम हो जाता है मतलब जैसे कि थ्रेटन कहते हैं उसको कि अब वो धोखे में है है ना अब वो किस पे है धोखा उसको बन चुका है थ्रेट बन चुका है जैसे वल्नरेबल है एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो अराउंड ऑन एन अराउंड समझ लो इसमें भी काफ़ी क्राइटेरियाज है बट ऑन एन अराउंड समझ लो कि सेवेंटी परसेंट अगर लॉस होता है या फिर सॉरी फिफ्टी परसेंट लॉस होता है या सेवेंटी परसेंट लॉस होता है नाइन्टी परसेंट लॉस होता है अगर कोई स्पीसीज में उसको तो इस थ्रेटन लिस्ट में रखा जा सकता तो मतलब क्या है कि क्रिटिकली <coughs> एंडेंजर्ड होता है मतलब वो ऐसा स्टेज है अभी कि जहां पे अगर इसको कंजर्व ना करें तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो सकते हैं एक्सटेंट हो सकते हैं एक्सटेंट होना मतलब खत्म होना इन वाइल्ड लाइफ एंड एक्सटेंट मतलब हंड्रेड परसेंट एक्सटेंट मतलब सब जगह से खत्म होना जैसे एक्सटेंट इन द वाइल्ड मतलब क्या है कि थोड़ा जू वगैरह में बचे हैं या इन सिटू में बचा है बट आपने सॉरी इन इन्सीटू में खत्म हो चुके हैं बट आपने जू लैब्स वगैरह में कहीं ना कहीं कंजर्व करके रखा है और एक्सटेंड मतलब हंड्रेड परसेंट एक्सटेंट मतलब वो इन इनसीटू हो या एक्सीटू हो सब जगह से खत्म हो चुका है जैसे जू में भी नहीं दिखेगा वाइल्ड लाइफ में भी नहीं दिखेगा कहीं भी नहीं दिखेगा ऐसे है क्या कोई स्पीसीज तो बिल्कुल है है ना तो डोडो देख लो है चाइनीज पैडल फिश है और इसका मैंने काफ़ी डिटेल लेक्चर दिया है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की ऑल द क्रिटिकल एंडेंजर्ड जितने भी स्पीसीज हैं एंड ये तो एक्सटेंड आपके सामने है बट जो क्रिटिकली इंडेजेड मतलब वो बहुत ज्यादा यूपीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उनका पूरा लिस्ट मैंने उसका एक सेशन वीडियो में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो अभी कुछ लास्ट वीक कवर किया था तो जरूर देख लेना उसको बट अगर नहीं किया तो वो स्पीसीज एक्सटेंट हो सकता है तो ये सब जो करने का काम है वो कौन करता है आयु सी एन रेड लिस्ट के अंदर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो हर कंट्री में या मतलब मोस्ट ऑफ द रीजन्स में इनके ऑफिस होते हैं जैसे इंडिया में भी आयु सी एन इंडिया का एक ऑफिस है न्यू दिल्ली में जैसे मैंने बताया कि डब्लू डब्ल्यू एफ है आई यू सी एन है साइट्स से एंड ट्रैफिक है लगभग एक ही जगह से काम करते हैं एक ही ऑफिस से काम करते हैं इट्स इन न्यू दिल्ली ठीक है अब इनका भी एक पिंक पेज होता है जिसमें पिंक पेज मतलब क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं वो पिंक पेज में मैंशन किए जाते है एक पेज होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड जिनका नाइन्टी परसेंट प्लस लॉस्ट हुआ है लास्ट दस साल में है ना या उनके नंबर पचास से कम बचे हैं तो ऐसे स्पीसीज को वो क्रिटिकली इंडेंजर्ट में डाल देते हैं

एंड क्रॉस चेक करना है कि आपका सही है या गलत है प्लीज रीड केयरफुली एंडेमिक देखो इसमें रखने के लिए क्या क्राइटेरियाज है तो एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द दायोडोसिटिक हॉटस्पॉट तो एंडेमिक मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल कि जो सिर्फ वहां पे मिलते हैं ओनली ऐसे स्पीसीज जो सिर्फ वहीं पे मिलते हैं बाकी कहाँ पे भी नहीं मिलते है तो उनको हम क्या कहते हैं एंडेमिक बट ऐसा मैंने कभी अभी तक कहा कि इस लिस्ट में डालना है मतलब कि आपका एंडेमिक ही होना चाहिए नो no. यहाँ पे एक ही फैक्टर है वो है रिस्क फैक्टर या थ्रेट फैक्टर ना कि वो स्पीसीज को काफ़ी रिस्क होनी चाहिए या थ्रेट होनी चाहिए उस बेसिस पर यह कितना लॉस हुआ? हुआ है पचास लॉस हुआ है सेवेंटी लॉस हुआ है या नाइन्टी लॉस हुआ है राइट right? तो नेसेसरी नहीं कि वो एंडेमिक ही होने चाहिए तो इसलिए पहला ही स्टेटमेंट एंडेमिज्म ये क्राइटेरिया है क्या नो इफ यू एलिमिनेट वन ऑप्शन तो देख लेना दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे रिटर्न प्लांट प्लांट एंड स्पीसीज यस बिल्कुल आ सकता है तो सेकेंड बिल्कुल सही है देन आफ्टर दैट देखो प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज तो अब ये जरूरी है क्या प्रोटेक्टेड साइट्स वगैरह इट्स नॉट नेसेसरी तो आंसर विल बी बी मतलब साइट्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं कि हाँ सिंपल है प्लांट एंड एनिमल को कितना थ्रेट है उस लेवल की ये नाइन कैटेगरीज में हमने बात की है तो देखो ये नाइन कैटेगरीज में साइट्स का ऐसा सच कोई चीज़ नहीं आता है सिंपल है नाइन कैटेगरीज है इसमें से थर्टन थ्री आती है और दो एक्सटेंड कैटेगरी वाले आती है इसमें सिंपल बात है इसमें थ्रेटी बोला गया बाकी कुछ नहीं आएगा ठीक है तो आंसर विल बी वॉट यस आंसर इज टू ओनली द बी इज द आंसर नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन दो हज़ार ग्यारह में आया था कि वेस्टर्न गाज श्रीलंका इंडो बर्मा हॉट एज अ हॉटस्पॉट ठीक है सॉरी ये हॉटस्पॉट रिलेटेड क्वेश्चन है ओके okay? हम इसको थोड़ा बाद में है. Next, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्योंकि हॉटस्पॉट अभी तक हमने कवर नहीं किया तो वो जब कवर करेंगे तब देखेंगे तो देखो एनवायरमेंट रिलेटेड हमने देखा डब्ल्यू डब्ल्यू दिखा आयु सी एन दिखा अब आते हैं साइट्स पे तो साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था एज यू नो दैट ये कहाँ हुआ था पनामा में 2022 का लास्ट ईयर का और वहाँ पे भी इंडिया का काफ़ी कुछ ना कुछ रोल था या इंडिया की डिमांड्स थी इस मीटिंग में कि आपके जो शेड्यूल्स होते हैं उसमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन आप स्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाओ इंडिया सबमिटेड थ्री प्रपोजल टू साइट्स जिसमें कुछ एनिमल्स हम आगे देखेंगे कौन से है क्या है डिस्कशन में स्पीसीज इन द न्यूज़ में भी और और एक और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट टाइम मैंने देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कवर किया था नाइनटीन उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ थे 2022 में लास्ट ईयर और उसमें हमने जो पहले टोटल सिक्स शेड्यूल थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो अब हमने कितने कर दिए हैं पांच स्केडूल्स ठीक है आ, एक मिनट सॉरी चार स्केड्यूल्स अभी हमने कर दिए हैं तो अब वो जो स्केडूल्स है तो वो स्केड्यूल में क्या है एग्जैक्टली exactly. तो लास्ट जो स्केड्यूल आता है तो उसमें हमने साइड्स में जो भी अपेंडिस या साइट्स में जो भी एनिमल है उनको हमने इंडिया में प्रोटेक्शन दिया ऐसा एक उसका स्केड्यूल है उसमें हमने मेंशन किया नए बिल में तो मतलब हम इसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे कि हम हमारे हमारे एक्ट में भी इसको मेंशन कर रहे हैं सो दैट्स वाई है ना वी शुड डेफिनेटली कवर दिस इन डिटेल जो कि इंडिया के आर्ट्स में भी दिख के आ रहा है तो दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है ना मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों में भी तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन एंडेंजर्ड स्पीसीज का तो उसके रिलेटेड ये कन्वेंशन है ये जो एंश्योर करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीसीमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल मतलब जो आप ट्रेड कर रहे हो इससे उनके सर्वाइवल पे थ्रेट ना हो जैसे कि अभी हमने चीता लेके आ गए नामी भी ऐसे फॉर एग्जाम्पल तो नामी भी ऐसे कूनों में लेके आ गए तो कुनो में लाने से कुनो के एनिमल्स को कुछ थ्रेट नहीं होना चाहिए या वहां के हैबिटेट को थ्रेट नहीं होना चाहिए धोखा नहीं पहुंचना चाहिए और जहां से लेकर आए उस इकोसिस्टम को भी कोई धोखा नहीं होना चाहिए तो तब जाके वो आप इंटरनेशनल ट्रेड करो कि जिससे उनके सर्वाइवल को उस स्पीसीज के सर्वाइवल को कोई अफेक्ट ना हो तो उसके रिगार्डिंग परमिशन या कोई स्पीसीज ऐसे होते हैं कि काफी एंडेंजर्ड है और उनका ऐसा ट्रेड करते हो तो डेथ हो जाए तो फिर वो स्पीसीज खत्म होने पर आ सकती है क्योंकि ट्रेड ट्रेड में ही खत्म हो जा रही है राइट तो ऐसा एक कन्वेंशन हमने बनाया साइट्स का जिसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड अगर कहीं एनिमल्स पर कर रहे हो तो इफ़ यू आर पार्टी टू दिस ओके एंड डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्ट है जिसमें इंडिया भी आता है इट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन तो काफ़ी लेट है मतलब इवन आई ने इनिशिएट किया था इसको इस्टैब्लिश आई यू सी के कुछ मीटिंग्स हुए थे वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि साइट्स वगैरह कुछ एस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके अंडर के रिकमेंडेशन में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है जीनवा स्विट्जरलैंड में एंड इट इज एडमिनिस्टर बायनाइटेड नेशन अंडर इट्स यू एन ए पी आर्ट मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको एडमिनिस्टर वगैरह किया जाता है बट ये इंडिपेंडेंट बना था भले एडमिनिस्टर्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा हो रहा है बट इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एग्रीमेंट बोल सकते हो कन्वेंशन बोल सकते हो बल दो साइड्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इट डज नॉट टेक एनी प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ जैसे ना कोई नेशनल लॉ नहीं बनी गई है टी है बाइंडिंग है इतना तो सही है मतलब लीगली बाइंडिंग मतलब क्या है आप इसका अगर मेंबर बनते हो तो इनके जो अपडिसिस है या इनका जो प्रोटेक्शन लेवल है उनके अपेंडिसेस में जैसे ना तीन अपेंडिस तो जो एनिमल्स है या इसमें जो इन्होंने क्राइटेरियाज दिया तो आपके कंट्री में आपको इंप्लीमेंट करने होगा अगर नहीं करते हो तो वो आप साइट्स का पार्ट नहीं बने रहोगे तो जो हाईली एंडेंजर्ड है अपेंडिक्स वन में आता है जिनका ट्रेड बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड ही होता है अगर आपको करना भी है तो बहुत सारे परमिशन लेने पड़ेगे देन ओनली यू कैन डू इट इज अ डेंजर ऑफ एक्सटेंशन कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड परमिट्स देखो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देन सेकेंड में आता है कि जहां पे मे बी कम एंडेंजर्ड ऐसे एनिमल्स है मतलब थोड़ा लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है तो आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो बट यहाँ पे परमिशन लगेगी देन थर्ड आता है अंडर प्रोटेक्शन मतलब एक खादी कंट्री में वो प्रोटेक्शन के अंडर है बट बाकी कंट्री में आज सच प्रोटेक्टेड नहीं है तो अपडेट वगैरह कर सकते मतलब हो मतलब थ्री में होगा तो यस मतलब वन में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है फिर टू में और फिर थ्री थोड़ा रिलैक्स होता है तो आप बोलोगे फिर सर इसका मतलब क्यों पार्ट बनना है या फिर इसको ना इसके बारे में इतना क्यों टेंशन लेना है हमें कि अपेंडिक्स वन में होगा तो क्या है टू में क्या है या इंडिया क्यों यहाँ पे बता रहा है कि आ, आप इसको प्रोटेक्शन बढ़ाओ या फिर कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जो इंडिया ने बताया है कि जैसे सैंडलवुड है है ना सैंडलवुड आता है तो उसका प्रोटेक्शन कम करो जो वन में रखा गया था इंडिया का बोलना है कि आप सेकंड या थर्ड में उसको लेके जाओ राइट अब ऐसा भी तो इंडिया बोल रहा है मतलब किसी का प्रोटेक्शन भी कम करना है तो क्यों क्योंकि जब अगर इस सैंडलवुड को अगर इन्होंने मतलब देखो कुछ समय के लिए वन में भी था अपेंडिक्स वन में तो इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में काफ़ी सारे ट्राइबल लोग करते हैं इससे जो प्रोड्यूसर्स बनते हैं उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट होता है और इसको अगर सेल कर रहे हैं तो इंडिया में इंडिया को काफी रेवेन्यू भी मिल रहा है बट तो जब सेल करने जा रहे हैं तो सैंडलवुड को अगर हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो वो कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि वो हाईली प्रोटेक्टेड माना जा रहा है और वो साइट्स का वॉयूशन हो सकता है तो दैट्स व इंडिया ने कहा कि हमारा रेवेन्यू इससे जुड़ा है तो हम यस yes, इसको आप अगर है ना एक कम प्रोटेक्शन करो इंडिया के लेवल पे तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट फॉर आवर यस रेवेन्यू जनरेशन है ना तो यस बस इस बात को याद रखो कि सैंडलवुड के बारे में है ना इंडिया ने आ, बताया था कि आप इसका प्रोटेक्शन डिग्री जो है वो कम करो एंड जैसे अब जयपुर इंडियन गेको है रेड क्राउन रूफ टाइटल है लेस सॉफ़्टवेयर टर्टल है तो इनको आप प्रोटेक्शन बढ़ा दो क्योंकि वैसे भी इसका ना इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पोचिंग हंटिंग वगैरह होता है तो ये रेड रूफ टॉप टटल है लेथ सॉफ्टवेयर टाइटल एंड uh, uh, शायद यहाँ पे मिसिंग है बट है ना जयपुर गेको गेको मतलब थोड़ा लीजार्ट की छोटी स्पीसीज आती है लीजार्ट जैसे होता है तो वो स्पीसीज इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है इवन हमने लास्ट ईयर की मीटिंग में बताया था कि सी कुकुम्बर जो होता है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा गल्फ ऑफ मन्नार से है ना चाइना की तरफ इलीगल ट्रेड होता है तो वो नहीं होना चाहिए और ये सी कुकुम्बर जो होता है उनको है ना गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सी कहा जाता है तो फिर वो अगर डीकम्पोज नहीं होगा तो वहाँ पे वेस्ट वैसा कि वैसा रहेगा जो है ना कूड़ा कचरा होता है वैसे ही रहेगा वेस्ट मतलब डिग्रेडेशन नहीं होगा और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इकोसिस्टम कि वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट है ना एक प्रकार से डिग्रेड हो तो इस्टे सी कोकुंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट वही है कि चाइना में काफी साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी कंज्यूम किया जाता है तो इसका इलीगल ट्रेड चल रहा है राइट तो उसको भी हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए इंडिया ने मांग करी थी कि आप इसको शेड्यूल वन में डाल दो सी को को तो याद क्या क्या रखना है सिकोकुम्बर रेड सैंडर्स या रेड सैंडर पहले से ही हाई लेवल पे सैंडलवुड जयपुर इंडियन गेको रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड लेस लेसर टर्टल ओके सो दैट्स ऑल सो देख लेना हमने क्या क्या, क्या कवर किया डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई सी एंड लास्ट एक आता है ट्राफिक तो ट्राफिक देख लेना ट्राफिक भी लगभग साइट और साइट के जैसा ही काम है इट इज नॉन गवर्नमेंटल अगेन नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ये जो बना था वो ज्वाइंट प्रोग्राम है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आयु सी एन का जबकि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आयु सी एन दोनों भी स्वतंत्र है सेपरेट है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन राइट तो एंड आई सी एन याद रखो ने मिला के ट्राफिक बनाया था ठीक है मतलब उनका ज्वाइंट प्रोग्राम है 1976 में तो वही है कंजर्वेशन एंड सस्टेबल वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द दंटेक्स ऑफ बोथ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका हेडक्वार्टर आता है देखो यूके में ट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट थ्रेड टू देशन मतलब जो हमने साइट में दिखा, ना, कि जो ट्रेड की से थ्रेट नहीं होना चाहिए तो वही है, ट्राफिक का भी ऑफिस इंडिया में आता है याद रखें लेटेस्ट कैंपेन जैसे अभी ये यूपीसी पूछ सकता है वॉन्टेड किसका कैंपेन है ठीक है जो कि फोर एशियन बिग कैट्स के लिए टाइगर लोपर्ड स्नो लोपर्ड क्लाउडेड लोपर्ड तो पूछा जा सकता है वॉन्टेड अलव वॉज इन डिस्कशन या फिर चूज द करेक्ट पेयर वॉन्टेड अलव डैश दिस या और कोई होगा है ना तो वैसे आ सकते दो या 2017 में देखी लो क्वेश्चन कैसा आया था देखो बैक टू बैक उसी प्रकार के क्वेश्चन है ट्राफिक इज द ब्यूरो अंडर द यूएन पी ठीक है तो अब भी हम वही देख रहे हैं कि ये चारों मैंने तीन बार अभी मतलब बेसिकली चार पांच बार बोला है आपको कि ये चारों स्वतंत्र है ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है क्या नो 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 तेरा में 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 वही वही क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन। और भी सेम इट ट्रेड ठीक है कि वाइल्ड एनिमल्स वगैरह है ना वो थ्रेड ना हो तो आंसर विल बी सेकंड मतलब देखो एक पैटर्न अगर आप पकड़ के चलो तो यूपीएससी भी देखो वही पैटर्न है इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशन को देखो इस YouTube पे दस वीडियो मिल जाएगी बहुत अच्छे भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट हमें यू के लिए क्या चाहिए है ना वो समझना बहुत जरूरी है एंड जो मैंने आपको बताया कि हाँ मतलब थोड़ा ही पढ़ लो बट परफेक्ट यू पी पढ़ो देखो रिपीटेड क्वेश्चन आता है एक पैटर्न यू ने जो पकड़ा है कि हाँ एक तो ये किसके अंडर आता है इसमें क्या थोड़े बहुत प्रोविजन है या है ना इसका मेन थीम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का सो दैट्स ऑल ये किसने किसके अंडर ये बना था दैट सॉल्व ऐसे दो तीन ही पैटर्न बनते हैं जैसे कि अभी आपने आयु देखा होगा आयुसीन के बहुत ज़्यादा वो कैटेगरी नहीं पूछते बैठेंगे उसके अंदर क्या आने वाले वो भी नहीं पूछेंगे ज़्यादा क्योंकि तो वो क्वेश्चन अभी नहीं आता है आया तो भी जर्नलिस्टिक लेवल पे आ सकता है कि आयु यूनाइटेड नेशन का पार्ट है या वो आयु uh, मतलब यहाँ पे हेल्प करता है क्या मतलब uh, या यूनाइटेड नेशन में वो एडवाइजरी है या नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनी बट हाँ ट्रैफिक के और भी हैं जैसे हमने अभी देखा कि जो एक इनिशिएटिव वांटेड अलाइव तो वैसे इनका रेट्टा नाम से भी एक आता है देखो अफ्रीकन वाइल्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन के बारे में वाइल्ड लाइफ ट्रैप नाम से आता है वाइल्ड लाइफ रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग नाम से प्रोजेक्ट एम टू प्रोटेक्टिंग ग्लोबल टैकलिंग वाइल्ड लाइफ टैकलिंग है ना तो ट्राफिकिंग एंड अफ्रीका एशिया एक्सेट्रा मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रैप नाम से एक आता है द ग्लोबल शार्क शारे इनिशिएटिव है एंड ओशन uh, के बारे में एंड आफ्टर दैट द फेयर वाइल्ड फाउंडेशन है ना ऐसे अलग अलग इनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है तो पूछ सकते हैं कि रेटा वाइल्ड लाइफ ट्रैप्स ग्लोबल शार्क एंड री इनिशिएटिव है ना फेयर वाइल्ड फाउंडेशन ये किसका है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है आई यूसी है ट्राफिक है तो बस यही आपको शॉर्ट नोट में बस इतना लिखना है बाकी अंदर का कुछ लिखना नहीं है कि एक दो तीन और हेडलाइन बस चार ये अंडर ट्राफिक है एंड अनदर जो अभी हमने पहले देखा वॉन्टेड अलाइव दैट्स ऑल ओके वॉन्टेड अलाइव ठीक है तो अभी देखो हमने ये सारा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अभी वो देखे हैं और भी देखो थोड़ा अपडेटेड रहो और प्लीज़ है ना इतनी मतलब मैं इतना अच्छा एक आपको कंपाइलेशन क्रिएट करके दे रहा हूँ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर यूअर कमेंट ऑल्सो मतलब थोड़ा उसको भी रिकॉग्नाइज करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ठीक है तो सब उतना ध्यान रखें क्योंकि इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि आगे के भी पार्ट में कंटिन्यू करूँ तो थोड़ा देख लेना है ना आप उसको ये कर सकते हो और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाकी सुमित हम हमारा मतलब एक जो मेरा प्रोफाइल है वो भी आप देखते रहो वहाँ पे लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स में कवर कर रहा हूँ ऑन स्पेशल क्लासेस तो फॉलो करके रखना वहाँ पे भी अनएकेडेमी ऐप पर एंड बाकी जो प्लेलिस्ट है इसमें आप चेक करते रहो जो भी मेरा कंटेंट होगा तो ज़रूर देख लेना मतलब एग्जाम ओरिएटेड है देखो सीधी मैं बात बता दो कंटेंट से भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम ओरिएटेशन कैसा है वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है बाकी टेलीग्राम पे आप भी जॉइन ज्वाइन कर सकते हो सुमित सर नोट्स वहाँ पे भी आपको कुछ नोट्स वगैरह या अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे ठीक है ओके देन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाकी हाँ वन मोर थिंग कि यू जो चैम्पियनशिप uh, है फोर तो इस बार सत्रह दिसंबर को हो रहा है सुबह ग्यारह बजे इसको डेफिनेटली आप एनरोल करो बाई यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव जो कि काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी जिससे आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी या सम परसेंटेज ऑफ इन सब्सक्रिप्शन मिल सकता है तो आप बाद में वहां पे पूरे ऑफर के डिटेल्स दिए आप इस लिंक पे वगैरह जाके चेक कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आईपीसीसी यूएनईपी डब्ल्यूएम होगा एंड वेलिंग कमीशन वगैरह ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे कवर करेंगे ओके चलो थैंक यू थैंक यू यू स्टेटमेंट